जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर पे ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां मिले, और जो पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, और ये सभी सिंगल्स के लिए है। आपको पता है सिंगल्स लोग जो होते हैं उनकी कितनी शिकायत होती है हमसे कि दी आप हमेशा उन लोगों के लिए रीडिंग करते हैं जो पहले से रिलेशनशिप में हैं, कभी हमारे लिए भी कर दिया करिए। तो डियर सिंगल्स, आज ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है? और देखिए, ये रीडिंग उनके लिए भी है जिनका उनके पार्टनर से ब्रेकअप हो गया है और अब वो अपने पार्टनर को नहीं चाहते, या उन्हें ऐसा लगता है कि जिसके साथ वो रिश्ते में थे वो उनका कार्मिक था, वो अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये रीडिंग जो है वो इस टॉपिक पर है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में कौन आना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, जो आपको सीक्रेटली लव करता है, ठीक है? तो देखिए, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको अपने नाम का, अपने पर्सन के नाम का नहीं, अपने नाम का एक अक्षर चूज़ करना होगा। उसके बाद आपने जो अक्षर चूज़ किया है उसका ऑप्शन देख लीजिए कि 1-2 ऑप्शन अलग अलग है, और आप वही रीडिंग देखिए, ठीक है? हमें ऐसा लग रहा है काफ़ी दिनों से कि हमारी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आजकल शादियों में बहुत बिज़ी हैं, इसलिए रीडिंग देखने का तो टाइम ही नहीं है, है ना? हम इंतज़ार करते रहते हैं और आप सब लोग शादियों में बिज़ी हैं। तो हैं, कोई बात नहीं, शादियों का सीज़न तो एक बार ही आता है ना साल भर में। खूब इंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए। और जो लोग हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए हमने ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कुछ लोगों को टेलीग्राम करना नहीं आता है, तो देखिए टेलीग्राम एक ऐप होता है, व्हाट्सअप जैसा ही होता है, आप उसे डाउनलोड करिए, अपनी आईडी बनाइए, बिल्कुल सेफ़ है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट्सअप से भी ज़्यादा सेफ़ है ये, समझ रहे हैं? इसीलिए हमने टेलीग्राम चूज़ किया है व्हाट्सएप की जगह। तो आप टेलीग्राम पर आइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या क्या प्रोसेस है, क्या डिटेल्स देनी है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, कौन है जो आपको पाना चाहता है, कौन है जो आपसे बहुत सारा प्यार करता है लेकिन अब आपसे बता नहीं पाता, शेयर नहीं कर पाता, अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो देखिए, ये रीडिंग सभी सिंगल्स के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जिनका अभी अभी सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है और अब उन्हें अपना एक्स नहीं चाहिए। तो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है, ठीक है? तो डियर पाइल नंबर 1, ये जो इंसान है आपकी लाइफ में जो आना चाहता है, जो आपकी लाइफ में यूँ कहिए आने वाला है, जो आपकी लाइफ में आने वाला है, ये थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का इंसान है। शायद मेडिटेशन वगैरह ये करता होगा, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाला इंसान है, जैसे कि हर अपनी खुशी से पहले सबकी खुशियों का ख्याल करने वाला और सबको हमेशा हैप्पी हैप्पी रखने वाला, इस टाइप का इंसान है ये। और इसे फाइनेंशियली कोई इशूज नहीं है, ये फाइनेंशियली स्टेबल है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन जो उसकी पर्सनालिटी है ना वो थोड़ी मिस्टीरियस टाइप की है। ये अपने बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं करता, समझ रहे हैं? ये है बहुत नॉलेजेबल पर्सन, बहुत ज़्यादा माइंडेड है, लेकिन फिर भी ये अपने बारे में, सबके बारे में तो जान लेगा लेकिन अपने बारे में कभी कुछ भी बताना सही नहीं समझता। ये एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखता है खुद को लेकर, लेकिन ये आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है। ये यूँ कहिए कि आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ये। और आप ये समझ लीजिए, इसके अंदर जो पावर है ना किसी को भी अट्रैक्ट करने की, बहुत गजब की पावर है ये। अपनी बातों में किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, किसी को भी, यूँ कहिए कि ये किसी का भी मन बदल सकता है।
मतलब बहुत पावरफुल इंसान है और इतनी स्ट्रेंथ है इसमें, हिम्मत की कोई कमी नहीं है, किसी से बिल्कुल डरता भी नहीं है, ये किसी से भी नहीं डरता। इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली ये बहुत स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। लेकिन उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इसकी ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल, पर्सनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ये, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि ये अब आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और हमें ऐसी वाइब आ रही है बार बार, शायद आप इसे जानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये आपका एक्स हो सकता है। जी हाँ, ये हमें आपका एक्स लग रहा है। अगर आपका सेपरेशन हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आप ये समझिए कि ये इंसान आपको पाने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा है। इसने शायद पहले आपको चीट किया है और आप इसका अभी भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। ये जब भी आप इससे कमिटमेंट मांगते थे तो ये फैमिली का बहाना करके पोस्टपोन करता था कि नहीं अभी नहीं, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि ये खुद आपका इंतज़ार कर रहा है। इसे लगता था कि आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं इसकी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग। लेकिन अब इसे रियलाइज़ हो रहा है, अब ये आपका इंतज़ार कर रहा है, अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। समझ रहे हैं आप, इसे बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। पहले इसके अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन था, अगर आपके एक्स में ये सारी बातें थीं तो आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंपेयर करता था, मतलब बहुत ज़्यादा तुलनात्मक भावनाएं थी इसके अंदर। और जब भी आप इससे कोई बात करते थे तो वो उसे कल पर टाल देता था कि नहीं अभी नहीं, कल, अभी नहीं, कल। लेकिन अब इसे एहसास हो चुका है, और देखिए स्पिरिचुअल तो ये है ही है, अब इसे एहसास हो चुका है तो ये अब बहुत मेहनत कर रहा है, अब बहुत मेहनत कर रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है आपको पाने के लिए, अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपको कमिटमेंट देने के लिए। और देखिए यहाँ पर ना कुछ कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हुए हैं, अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि रीडिंग इतनी पॉजिटिव दिख रही है कि ये इंसान अब ये चाहता है कि एक बार आप इसे मिल जाएं तो अब ये वो सारी गलतियां नहीं करेगा जो इसने किया था। पहले इसने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन अब ये आपकी केयर करना चाहता है, अब ये ईश्वर से प्रे कर रहा है कि सब कुछ ठीक कर दीजिए, अब ये आपको हमेशा खुश रखना चाहता है, और ये बहुत ज़्यादा आपका इंतज़ार कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कौन है। अगर आप नहीं जानते कि ये कौन है तो आप ये समझ लीजिए एक ऐसी ही पर्सनालिटी का इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। समझ रहे हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल टाइप का होगा, बहुत मैजिकल पर्सनालिटी होगी उसकी, उसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, उसमें स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं होगी। और आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का लगेगा वो, बहुत मस्ती मजाक करने वाला, सबको खुश रखने वाला। अगर आप नहीं जानते हैं इसे तो ये बहुत पॉजिटिव है, और अगर आप इसे जानते हैं तो फिर इसकी पास्ट एनर्जी ये कहती है कि इसने कभी आपको धोखा दिया है, इसने कभी आपको चीट किया है, तो अब ये वही आपका एक्स है जो आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। देखिए क्या होता है ना, जब हम साथ होते हैं तो इंसान को समझ में नहीं आता कि ये इंसान कितना मायने रखता है हमारी ज़िंदगी में, ये हमारी कितनी रेस्पेक्ट करता है, हमारी कितनी केयर करता है, तो उससे उस केयर की अहमियत पता नहीं चलती। लेकिन जब हम चले जाते हैं उसकी ज़िंदगी से, तब उसे एहसास होता है कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। उसे पहले ये लगता था कि बहुत सारे लोग हैं, ये ऑप्शन नहीं, मैं ये चूज़ कर लूँगा, ये नहीं है तो फिर ये सही, ये नहीं तो ये सही। लेकिन बाद में सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं और इंसान सिर्फ उसी की यादों में स्टक हो जाता है। तो ये इंसान सिर्फ आपकी यादों में स्टक हो चुका है, अगर आप इसे जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो आ रहा है ना बहुत पॉजिटिव इंसान है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा इस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है, ठीक है।
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, वो कौन है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है, वो कौन है जो बहुत जल्दी आपसे अपनी फीलिंग शेयर करने वाला है। तो देखिए, अगर आप सिंगल हैं या फिर अभी आपका सेपरेशन हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है और अब आप एक न्यू पार्टनर की तलाश में हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है कि जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, वो क्या करता होगा, उसकी क्या हॉबीज़ होंगी, तो इससे आप पता लगा सकते हैं ताकि जब वो आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, और देखिए, जैसे कि हम ये रीडिंग तो सिर्फ सिंगल्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सेपरेशन हुआ है फिर भी वो लोग देखते हैं रीडिंग, तो जो एंसर्स होते हैं ना, वो सबकी एनर्जी हमारे सामने ला के रख देते हैं, चाहे वो सिंगल्स हों चाहे फिर वो सेपरेट हों अपने पर्सन से। तो देखिए, यहाँ पर ये जो इंसान हमें दिख रहा है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी फाइनेंशियली स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है, समझ रहे हैं, ये फाइनेंशियली स्टेबल है, इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। होता है ना ऐसा कि सब कुछ है पर सुकून नहीं है, इस टाइप की एनर्जी में है ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और आप ये भी समझ लीजिए कि इस इंसान से आपका बहुत सोल लेवल का कनेक्शन है, ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, सोल लेवल का कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आप दोनों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि या तो ये आपका सोल मेट होगा या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम होगा, समझ रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों ने जर्नल रीडिंग देख देख के एक दो बार उन्होंने जो कार्ड चूज़ किया तो उसमें निकला कि ये उनका सोल मेट है या उनका ट्विन फ्लेम है, तो बिल्कुल इस बात के लिए श्योर हो जाते हैं कि ये उनका ट्विन फ्लेम है या सोल मेट है। कैसे श्योर हो गए आप? 2-3 पाइल्स होते हैं, किसी भी टैरोट रीडर की रीडिंग आप देखिए, 2-3-4-5, तो वो तो एक जर्नल रीडिंग है ना, 3-4 पाइल्स होती हैं और देखने वाले कितने हज़ारों लोग होते हैं, तो कैसे आप श्योरिटी ले लेते हैं, कैसे आप श्योर हो जाते हैं कि ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच है? हम मानते हैं कि सिचुएशन कंडीशन मैच होती हैं, लेकिन आप कैसे किसी को अपना सोल मेट और ट्विन मान लेते हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक आप किसी से पर्सनल रीडिंग ना लें और उस पर्सनल रीडिंग में सोल मेट है वो या फिर वो आपका ट्विन है, जब तक ये श्योरिटी नहीं मिलती है तब तक आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो सोलमेट होते हैं उनका तो प्यार करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, लेकिन जो कार्मिक और ट्विन की इस वक्त एनर्जी है वो सेम होती है। ट्विन क्या होता है? जो हमारा ट्विन सोल, जो हमारा काउंटर पार्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा अपने कार्मिक बर्डन में फंसा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे बर्डन्स हैं, तो वो क्या करता है, थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट करता है, आपको रुलाता है, आपको वेट कराता है, आपसे ढंग से बात नहीं करता, आपको कमिटमेंट नहीं देता। और सेम प्रोसेस होता है कार्मिक का। कार्मिक का मतलब क्या होता है? हमने पूर्व जन्म में जो गलतियाँ की हैं, जिस इंसान का हमने कभी दिल दुखाया है या हमसे कोई भी गलती हो गई है, तो वो इंसान इस जन्म में आपके दिल के बहुत करीब जाएगा और फिर आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ के चला जाएगा, तो ये भी कार्मिक होने की निशानी है। तो हमें ऐसा रीडिंग में बहुत बार ऐसा लगता है कि जो कार्मिक है उसे लोग अपना ट्विन समझ के बैठे हुए हैं। बहुत सारे साइंस हैं जो कार्मिक होते हैं उनके क्या साइन हैं और जो ट्विन होते हैं उनके क्या साइन हैं, ये हम आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन प्लीज़ जर्नल रीडिंग के बेस पर आप किसी को भी अपना ट्विन मत समझिए प्लीज़, ना किसी को सोलमेट समझिए। अगर सोलमेट है तो ये समझ लीजिए वो आपको समझेगा, वो आपको बहुत प्यार देगा, वो आपके लिए किसी भी हद तक जाएगा, वो आपके लिए किसी से भी लड़ सकता है, जो सोलमेट है। लेकिन जो ट्विन है और जो कार्मिक है, इन दोनों की एनर्जी लगभग सेम ही रहती है। ट्विन की एनर्जी कब चेंज होती है? जब वो अपने हायर सेल्फ से जुड़ता है, जब वो मेडिटेशन करता है, जब वो स्पिरिचुअल होता है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है।
अब चलिए हम बताते हैं, जो पर्सन आने वाला है ये, इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। पैसे खूब है पर सुकून नहीं है इसकी ज़िंदगी में। सब कुछ होने के बाद भी ये खुद को बहुत अकेला, बहुत तन्हा महसूस करता है, और इतना कुछ करने के बाद भी इस पर बर्डन बहुत ज़्यादा है। इसकी जो फैमिली वाले हैं वो इसे बिल्कुल समझने वालों में से नहीं हैं, और ये इंसान आपसे दूर रहता है, आपके आसपास बिल्कुल भी नहीं रहता। ये जो आपकी लाइफ में आने वाला है, हो सकता है ये ऑनलाइन आपको कहीं मिले, या फिर आप कहीं घूमने जाएं वहाँ पर आपको मिले, क्योंकि ये आपके आसपास तो कहीं रहता ही नहीं है। और अगर ये आपके आसपास आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके आसपास रहता है, तो फिर ये वो नहीं है। समझ गए आप? क्योंकि हमें यहाँ पर बार बार ट्रैवल नज़र आ रहा है, इसका मतलब यही है कि ये आपसे दूर है, या फिर आप अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर जाएंगे तो ये वहाँ पर आपको मिलेगा। और ये बिजनेसमैन है, ये कोई जॉब वॉब नहीं करता है, ये खुद सेटल्ड है पूरी तरीके से। बस इसको फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, इसकी जो फैमिली में बहुत सारे ड्रामे हैं, बहुत सारे बर्डन हैं, तो ये अंदर से हमेशा पेनफुल एनर्जी में रहने वाला इंसान है। और इससे आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको इसके साथ एक ऐसा अट्रैक्शन महसूस होगा जो फिज़िकल लेवल पर नहीं होगा कि वो बहुत सुंदर है इसलिए हम किसी से अट्रैक्ट हो गए, और वो बहुत अच्छी बातें करता है इसलिए उससे अट्रैक्ट हो गए। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप क्यों इस इंसान की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, क्योंकि जो सोल लेवल का कनेक्शन होता है वहाँ पर ऐसा ही अट्रैक्शन होता है कि हो सकता है कि उसकी शक्ल अच्छी ना हो, हो सकता है उसका काम आपको पसंद ना आए, हो सकता है उसकी बातें आपको पसंद ना हो, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पसंद है, फिर क्यों आप इस इंसान की तरफ खींचे जा रहे हैं, क्यों आप इस इंसान की तरफ अपना खिंचाव महसूस कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपको महसूस होगी जब ये इंसान आपके सामने आएगा। ठीक है, अब देखिए, ये सभी समस्याओं का समाधान करने में बहुत सक्षम है। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो ये चुटकियों में उसका हल कर सकता है, चुटकियों में। बस ये अपने आप को बहुत बंधा सा महसूस करता है, जैसे लगता है कि ये स्वतंत्र नहीं है कुछ भी करने के लिए, और इसे ऐसा लगता है कि किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ड्रामे करेगी। और इसे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, समझ रहे हैं? या तो ये कोई म्यूजिशियन हो सकता है, या फिर ये कोई सिंगर भी हो सकता है, क्योंकि इसे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। अब देखिए, ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहेगा, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी इसके आसपास, क्योंकि फैमिली की वजह से बहुत परेशान है ना, इसलिए इसे समझ भी नहीं आएगा कि ये आपको कैसे कैसे प्रपोज करे। इसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार हो बेशक, लेकिन ये अपनी तरफ से आपको प्रपोज कभी नहीं कर पाएगा। अगर आप समझ जाए कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, तो हो सकता है कि आपको ही इसे प्रपोज करना पड़े। और हमें यहाँ ये भी दिख रहा है कि जैसे ही आप इसकी लाइफ में एंटर करेंगे, इसका हार्ट चक्र हील होने लगेगा आपके एंटर करते ही इसकी लाइफ में, समझ रहे हैं? तो आप यूँ भी समझ लीजिए कि आप इसके लिए एक बहुत लकी इंसान साबित हो सकते हैं। इसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कहते हैं ना, किसी को हार बर्दाश्त नहीं होती, ये वैसा इंसान है, इसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, इसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला इंसान है। बस इसकी ज़िंदगी में एक ही प्रॉब्लम है, और वो है इसके फैमिली इशूज़, और इसके ऊपर जो ढेर सारे बर्डन हैं, ढेर सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो अगर आप इस इंसान को जानते हैं तो आप इससे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही इससे बातचीत करना शुरू करेंगे, इसको वो सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना। हो सकता है कि अभी वो खुद को यूँ मत अधूरा अधूरा सा महसूस करता है, वो सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों मैं हमेशा तन्हा तन्हा सा रहता हूँ, फिर भी क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है। तो जिस दिन आप इससे बातचीत करना शुरू कर देंगे, उस दिन इसे एक सुकून महसूस होने लग जाएगा, मतलब इसका जो हार्ट चक्र है हील होने लग जाएगा। ये जो फीलिंग्स प्यार, ये कहाँ से उठता है? हमारे हार्ट चक्र से उठता है। अगर हार्ट चक्र ही अंदर से ब्लॉक महसूस हो रहा हो, अगर हार्ट चक्र ही हील ना हो, ब्लॉक्ड हो, तो क्या महसूस होगा इंसान को?
तो ये ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। अब हो सकता है कि आप इसे जानते हों और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे ना जानते हों, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक बिजनेसमैन है। इसे सिंगिंग डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शर्मीला टाइप का इंसान है, बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान है। इसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, हर फील्ड में इसे सक्सेस चाहिए होती है और ये सक्सेस पा के ही रहता है। बहुत जल्दी हर चीज़ के लिए एक्शन ले लेता है, सोचता समझता नहीं है, तुरंत एक्शन लेता है। इस टाइप की एनर्जी में रहने वाला इंसान है ये। इसे फाइनेंशियली कोई इशूज़ नहीं है, बस इसे फैमिली इशूज़ हैं। अब अगर आप इसे जानते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप इसे जानते हैं, ठीक है? और हम फिर से कहेंगे कि जनरल रीडिंग के बेस पर आप कभी किसी को ट्विन मत समझ लेना, ठीक है? जब तक आप किसी से पर्सनल रीडिंग ना ले लें, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है सब लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी तो आत्मविश्वास बढ़ता है ना, और भी वीडियोस बनाने का। और देखिए, बहुत जल्दी हम आप लोगों को टैरोट शो करना शुरू करेंगे। हम बहुत जल्दी, अभी हम टैरोट शो नहीं करते हैं क्योंकि हमने बताया कि हम अपनी सारी रीडिंग इंट्यूशन के हिसाब से करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि दीदी प्लीज़ टैरोट हमें दिखा के रीडिंग करिए, तो हम आप लोगों की रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करेंगे, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।